हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल शारिका। और आज मैं आप लोग के साथ ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो इस टाइम के जो मानसून चल रहा है इसके अकॉर्डिंग है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आज मैं आप लोग के लिए स्पेशली फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैंने फेस पैक निकाल लिया है और आप ग्लो देख सकते हो कितना ज़्यादा, जो हमारी एक स्किन टोन होती है ना उससे एक आप समझ लो सेड ज़्यादा हो जाती है स्किन टोन पे। तो अभी मैं आपको अभी निकाल चुकी हूँ, उसके बाद मैं स्टार्टिंग की वीडियो शूट कर रही हूँ। सो मैं जो फेस पैक आप शेयर करने वाली हूँ इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं बारिश की वजह से फेस पे, और कई लोगों क्या होते हैं गर्दन वगैरह पे भी निकलते हैं। तो इस पे आप ये फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और इससे आपकी स्किन टोन भी है काफ़ी ज़्यादा एक सेट बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों से मिक्स करने वाली हूँ, जो आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, वो हमारी स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनिंग करता है। और अगर आपको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो भी ये दूर करता है। अगर आपकी स्किन पे थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हो रही है उसको भी दूर करता है। तो काफ़ी इफेक्टिव फेस पैक है। चलिए मैं दिखाती हूँ बनाना कैसे है और लगाना कैसे है। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा टेबल स्पून बेसन ले ली हूँ मैं, और जितना आपको लगाना है उस अकॉर्डिंग, मुझे सिर्फ अपने फेस पे लगाना है तो मैंने हाफ स्पून बेसन ले लिया है यहाँ पे। और ये ऐसा एक फेस पैक है ना जो आपके फेस पे अगर इस टाइम पे बारिश के टाइम पे पिंपल्स दाने निकल रहे हैं तो उसको दूर करेगा। देन मैं यहाँ पर मिला रही हूँ हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। ये आपके फेस के फाइन लाइन्स वगैरह जो भी निकल रहे हैं, अगर पिंपल्स जाते हैं, ऑयली स्किन हो जा रही है, इस टाइम पर स्किन काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, तो उसके लिए है। यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ नीम पाउडर, और आप कोई भी घर पे बना हुआ भी नीम पाउडर ले सकते हैं। नीम पाउडर मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इसका पाउडर जो है मिक्स कर ले रही हूँ, और ये आपके पिंपल्स को हटाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर का जूस डाल रही हूँ। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसमें, टमाटर का जूस, और इसमें डाल दूँ क्योंकि इससे आपका जो स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर। आप पानी भी डाल सकते हो लेकिन रोज़ वाटर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। देन मैं इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी, अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी जो हमारे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जो टमाटर था उसको मैंने फेंका नहीं है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी उसको किस तरीके से लगाना है, उसको फेंकना नहीं है। इसके बाद उसको अपने फेस पे देखिए, एक अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। देन मैं यहाँ पे जो टमाटर था उसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मैं अपने फेस पर रब करूँगी। तो यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको टमाटर सूट नहीं करता है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, अगर सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ टमाटर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, और इसका फेशियल भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। यहाँ पर मैं लिप्स के अराउंड भी मैं अच्छे से इसको रब कर रही हूँ, आइज़ पे और लिप्स पे, और फिर जो पूरा फेस है नेक वगैरह पे भी आप कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रोसेस है ना, अगर आपको सूट करता है तो आप इसको कभी स्किप ना करें, अगर नहीं सूट करता है टोमेटो तब आप स्किप कर सकते हैं। काफ़ी देर तक मैंने यहाँ पे रब किया है और उसके बाद मैं इसको रख दे रही हूँ। देन मैं यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ जो फेस पैक लगाना है वो लगाने लगी हूँ, और इसको सूखने देना है आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद आपको अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करना है, नॉर्मल पानी से, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से वॉश नहीं करना है। तो मैं अच्छा सा एक पैक लगा ले रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश से लगा सकते हो, मैं यहाँ पर हैंड से मसाज करते हुए लगा रही हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसा मैंने नीम पाउडर डाला है तो ये ग्रीन ग्रीन सा इसका कलर आ गया है। देन मैं उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद 20 मिनट बाद में अपना फेस दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है हमारे फेस पे, स्किन टोन में भी, प्लस अगर आपके फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं तो। बस मैं सूखने का वेट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखिए लग चुका है फेस पैक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने फेस पैक निकाल दिया है, फेस वॉश कर लिया, अभी लगाया कुछ नहीं, जस्ट लिपस्टिक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।